हाय गाइस, ये है होंडा साइन का पिस्टन। दोस्तों, इस बाइक में कंप्रेसर वीक की प्रॉब्लम थी। मुझे प्रॉब्लम ढूंढने में पूरा एक दिन लगा, क्योंकि दोस्तों मैंने वाल खोला, वाल भी ठीक था, वाल गार्ड भी ठीक था और वाल सील भी ठीक था। तो मैं सोच रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है दोस्तों। फिर मैंने ब्लॉक खोला, इसमें पिस्टन देखा तो पिस्टन एकदम परफेक्ट था। पहले मैंने रिंग नहीं चेक किया था, तो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पिस्टन एकदम परफेक्ट था। क्योंकि ये इंजन है, ये कंपनी फिटिंग था, तो मेरे को ऐसा डाउट नहीं लग जा रहा था कि पिस्टन रिंग में कुछ इशू प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने फिर इंजन फिट किया, फिर भी वही प्रॉब्लम आया कंप्रेशन डाउन का। तो दोस्तों, मैंने फिर इंजन खोला, फिर मैंने देखा कि जो प्रॉब्लम है, जो एक्सपेंडर रिंग के अगल बगल में ऊपर नीचे जो पतली वाली रिंग आती है दोस्तों, ये प्रॉब्लम इसमें था। प्रॉब्लम ये था कि ये जो इसका गैप है, ये आपस में जुड़ गया था, दोनों का एक साइड हो गया था। इस तरह ऐसे हो गया था दोस्तों, ये देखिए इस तरह हो गया था। इसके लिए इसका कंप्रेशन डाउन हो गया था। मैंने ये पहली बार दोस्तों देखा कि ऐसा भी पिस्टन की वजह से भी कंप्रेशन वीक होता है दोस्तों। ये मैंने ना कहीं यूट्यूब पे सर्च किया, न किसी उस्ताद से मैंने पूछा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये पहला मेरा, क्योंकि मेरे को एक सीखने को मिला कि जो कंप्रेशन वीक होता है, ये पिस्टन रिंग की वजह से भी होता है। एक्चुअली पहले देखा था कि कई बार पिस्टन घिस जाने की वजह से कंप्रेशन वीक होता है, लेकिन ये इंजन एकदम गुड कंडीशन में था, तो ये कंप्रेशन आना एक इम्पॉसिबल जैसी बात है। लेकिन दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम ऐसे भी आती है दोस्तों इंजन में। ये देखिए, इस पोजीशन में ये रिंगे थी, तो इसका जो कंप्रेशन था वो एकदम वीक था। मैंने धक्का स्टार्ट भी करके देखा, किक भी मारा है और सेल स्टार्ट भी, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी दोस्तों। तो ऐसा भी दोस्तों होता है बाइक के में। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो एक बार ज़रूर वाल चेक करिए, वाल भी ठीक है, वाल गार्ड भी ठीक है, तो एक बार ज़रूर पिस्टन का रिंग है उसका गैपिंग चेक कर लीजिए, कहीं ये आपस में ऐसे नहीं हुआ है, ये भी चेक कर लीजिए। क्योंकि इसकी वजह से भी जो कंप्रेशन है, ये वीक होता है। क्योंकि बाइक में जो कंप्रेशन है, वो एक मेन भाग है, क्योंकि कंप्रेशन की वजह से बाइक जो स्टार्ट होता है, वो वहीं से ही उसको पूरी टॉर्क मिलता है। तो इसे एक बार ज़रूर चेक लीजिए, क्योंकि अगर कंप्रेशन नहीं होगा, अगर दबान नहीं होगा, तो बाइक चालू ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने इस पिस्टन को चेंज किया, ये स्टैंडर्ड था, फिर मैंने 25 नंबर का बोर कराया और वो फिटिंग कर दिया। ये बाद में मैंने ये डाला नहीं, क्योंकि मैं एक दिन से पूरा परेशान था। तो दोस्तों, ये आपके साथ भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर बार बार आपको बाइक का कंप्रेशन वीक हो रहा है, अगर वाल भी सही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।